हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रदीप चौहान, आपका स्वागत करता हूं मंत्रायु में। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी की क्लासेस चल रही है, उसमें हमारा न्यू टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है सीआई यानी चक्रवर्ती ब्याज। तो चलते हैं, इसके बारे में देखते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे होते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है, इसमें क्या क्या चीज़ें गिवेन होती है, क्या क्या दी होती है और क्या क्या निकालना होता है। सिंपल सा, जैसे सिंपल इंटरेस्ट हम लोग पढ़ते हैं वैसे ही पढ़ना है। बस इसमें क्या होता है कि जो समय होता है, एक साल, दो साल, तीन साल, तो उस पर ब्याज लगते जाते हैं। कहने का मतलब आप समझिएगा कि मान लीजिए 100 रुपये हमारे पास है, 100 रुपये है, इस पर मैंने 10 रुपये का ब्याज दिया एक साल के लिए, तो ये हमारा पैसा कितना हो जाएगा आप बताओ, 110 रुपये होगा कि नहीं भाई? 100 रुपये तो मेरा ही था और 10 रुपये इस पर और ब्याज लग गया, तो ये मेरे पास आ गया कितना, आ गया 110 रुपये। अब दूसरे साल की बात करेगा, जो सेकेंड ईयर की बात करेगा, ये तो फर्स्ट ईयर की बात हुआ, जब सेकेंड ईयर की बात करेगा तो क्या होगा, तो क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, इस पे फिर 10% का ब्याज लग जाएगा, फिर इस पे क्या लगेगा, 10% का ब्याज लग जाएगा भाई, 10% का ब्याज लगेगा, यानी कि 110 रुपये पे लगा तो लमसम कितना जाएगा, 121 रुपये लमसम बता रहे हैं, मोटे मोटे बता रहे हैं, मतलब लगभग इतना आ जाएगा। मतलब कहने का मतलब मेरा ये था कि जैसे जैसे साल बढ़ता जाएगा और जितना हमारा राशि बढ़ती जाएगी, उस पर ब्याज लगता जाएगा। ये होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का फंडा। कहने का मतलब क्या है कि सिंपल और कंपाउंड, सिंपल यानी कि बिल्कुल सरल तरीके से, कंपाउंड यानी कि जोड़ते चलना। भाई केमिस्ट्री में आप पढ़ते हो कंपाउंड, कंपाउंड क्या होता है, यौगिक, यानी कि एक से अधिक, एक से अधिक, यानी वही चीज है, एक से अधिक ब्याज लेने को हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, चक्रवर्ती ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट। यहां तक समझ आया? चलिए, उसमें अभी आपने देखा था, उसमें सिंपल इंटरेस्ट जो होता है उसमें क्या होता है, 2 साल का है या 10 साल का है या 50 साल का है, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं होती है। उसमें यह होता है कि डायरेक्ट उसका मल्टीप्लाई करो और आंसर निकालो। ये होता था कि नहीं होता था? बट इसमें ऐसा नहीं होता है, इसमें साल से साल हम निकालते जाएंगे। अब आप जैसा मैंने ये बताया वैसे आप निकालना चाहोगे तो बहुत टाइम लगेगा और इतना टाइम पेपर में होता नहीं, हमारे पास नहीं होता है ना। तो हम सिंपल वे बताएंगे, क्वेश्चन के माध्यम से बताएंगे कि सिंपल टाइप कैसे किया जाता है। चलिए देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन समझिए, किसी धन का 16 से 2/3% चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 वर्ष में मिश्र धन 9800 रुपये हो जाता है, तो वह धन और चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात कीजिए। मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था पहले, फिर समझ लीजिए उस कॉन्सेप्ट को, फिर क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे ये लिखा हुआ, ये दो राशि लिखी हुई है 2/1, तो मैंने आपको प्रॉफिट लॉसेस हुआ या सिंपल इंटरेस्ट में ये बताया था, जो नीचे वाली जो संख्या होती है वो उसको क्या कहते हैं, सीपी कहते थे, रियल कहते थे, क्या कहते कि नहीं कहते थे, और यही हमारा क्या होता है, प्रिंसिपल होता है यानी पी होता है। यानी कहने का मतलब क्या है, जो ये पैसा था, जो ये नीचे वाला जो पैसा है वो मेरा पैसा था, वो मेरा पैसा था, मैंने किसी को दिया या मैंने किसी को बेचा किसी चीज को, तो ये ऊपर वाली जो संख्या होती है इसको हम क्या कहते थे, लाभ हानि केस में क्या कहते, या तो प्रॉफिट कहते थे या तो लॉस कहते थे, यही कहते थे ना। सिंपल इंटरेस्ट के केस में क्या होगा, एसआई के केस में क्या होगा, ये जो होगा वो होगा ब्याज, सिंपल ब्याज, साधारण ब्याज, यानी इसको हम कहेंगे एसआई। भाई जो प्रॉफिट हम कमा रहे हैं, 100 रुपये मैंने किसी को दिया और वो मेरा फिर बन के आया मेरे पास 110 रुपये, जो 10 रुपये एक्स्ट्रा था वो मेरा प्रॉफिट ही तो कहलाएगा, और कुछ कहलाएगा, प्रॉफिट कहलाएगा ना, वही होता है सिंपल इंटरेस्ट। और जो इन दोनों का अमाउंट मिलके बनता है उसको हम क्या कहते थे, प्रॉफिट लॉसेस में हम कहते थे SI SP, यानी कि सेलिंग प्राइस कहते थे, उसमें कहते थे ना। बट सिंपल इंटरेस्ट में हम क्या कहेंगे, साधारण ब्याज में हम क्या कहते हैं, इसको मिश्र धन, क्या कहते हैं, मिश्र धन, मिश्र यानी कि मिक्स होके जो धन हमको प्राप्त होता है उसको कहते हैं मिश्र धन। यानी 2 रुपये मेरे पास था, 1 रुपये मैंने प्रॉफिट उस पर कमा लिया, यानी 1 रुपये मैंने ब्याज ले लिया उस पर, तो वो मेरा मिलके बना कितना, 3 रुपये अमाउंट जो मेरा आ गया
अमाउंट आ गया वो 3 रुपए आ गया, आया कि नहीं आया? आया ना। तो बस यही चीज था कॉन्सेप्ट, और कोई कॉन्सेप्ट नहीं है इसमें, बस इतना ही समझना था आपको, बस इतना समझ जाओगे तो पहला टाइप आप खत्म कर लोगे। आज बेसिक लेक्चर है, क्वेश्चन ये पूछे जाते पेपर में, बट छोटे छोटे क्वेश्चन है, ज्यादा बड़े नहीं है, आराम से करेंगे, कोई टेंशन नहीं। पहला नंबर क्वेश्चन, फर्स्ट नंबर कह रहा है कि 16 से 2/3%। तो पहले तो हमें ये बताइए कि 16 से 2/3% होता कितना है, कितना होता है? तो परसेंटेज को हम नॉर्मल वैल्यू में निकालते हैं तो ये होता है 1/6। अभी मैंने आपको बताया नीचे वाली वैल्यू होती है प्रिंसिपल, ऊपर वाली वैल्यू होती है ब्याज, जिसको चक्रवर्ती ब्याज कहेंगे इसमें, क्योंकि कंपाउंड का देख रहे हैं, यानी ये होता है CI, और इन दोनों का मिला के होता है क्या? मिश्रधन। क्या था? मिश्रधन। यहां तक समझ आया? अब वो ये कह रहा है कि 6 रुपए मेरे पास था, 1 रुपए मैंने ब्याज ले लिया उस पर, तो वो रुपए मेरा कितना बन जाएगा? 7 रुपए। ये तो पहले साल के लिए कहा था। अब दोबारा उसी पे जब सेकंड साल आया, तो दोबारा जब आया, तो दोबारा आया तो क्या हो गया? 6 रुपए मेरे पास थे और 1 रुपए का मैंने ब्याज ले लिया, तो वो कितना आ गया मेरे पास? 7 रुपए। यानी पहले साल मेरा 6 रुपए था, तो वो 7 रुपए मिला, फिर मैंने दिया दूसरे को, तो फिर 6 रुपए था और 7 रुपए मुझे मिल गए, तो टोटल कितना हो गया? 6×36, और ये कितना हो गया? 7×7=49। ये हमारा क्या हो गया? मिश्रधन। ये हमारा क्या हो गया? मूलधन। और ये क्या हो गया हमारा? CI, यानी कि चक्रवर्ती ब्याज। CI हमारा कितना आ जाएगा? CI देखा गया तो कितना हो गया हमारा? 3 ये बच गया और 9 ये बच गया, सॉरी 4 ये बच गया और 9=13 आ गया हमारे पास। भाई 13 तो आएगा, 4 और 9=13, ठीक है। यानी कि हमारे पास मूलधन 36 रुपए आ गए, मिश्रधन 49 रुपए आ गए, और CI हमारा कितना आ गया? 13 रुपए आ गया। बट क्वेश्चन के अनुसार क्या कह रहा? मूलधन कितना कह रहा? 49 रुपए नहीं कह रहा, कितना कह रहा है? 58,000 रुपए। 49 रुपए नहीं कह रहा, वो कितना कह रहा है? 58,000 रुपए कह रहा है। इससे कितना गुना? 200 गुना। जाहिर सी बात है भाई, 200 गुना तो हमारा मूलधन भी कितना हो जाएगा? 200 गुना। तो कितना आ जाएगा हमारा? ये हमारा आ जाएगा 2 और 7 72,000 रुपए, और ये भी हमारा 200 गुना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 2600 रुपए। यानी कि जो हमारे पास मूलधन आ गया वो आगे 7200 रुपए, यानी 7200 रुपए था, उस पर 2600 का ब्याज ले लिया, तो 9800 रुपए कमाया उसने। यानी कि CI जो आ गया मेरे पास वो आ गया 2600, और ये इनके आंसर है। यही इसका क्या हो गया? आंसर। कुछ भी महत्व नहीं था, पहले साल उसने 1 रुपए कमाया, दूसरे साल भी उसने 1 रुपए कमाया, देखा गया तो 1 रुपए कमाया होगा, कमाया कि नहीं कमाया? वही तो चीज मैंने बोला था कि पहले साल वो 100 रुपए लगाया था तो 110 कमा रहा था, फिर उस पर उसने कमाया, तो वही चीज तो है ये। बस वो क्या था? एक सिंपल मेथड था, ये क्या था? एक ट्रिक है, ट्रिक के कारण इस तरह से हमने निकाला, और ये हमारा आंसर आगे पूरा पूरा। यहां तक कोई डाउट? चले आगे सेकंड नंबर क्वेश्चन। चलिए सेकंड नंबर देखते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन कुछ इसी तरीके से है, देखते हैं क्या कह रहा है। कि किसी धन का 33 CI 1/3% चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 वर्षों में मिश्र धन 6400 रुपए हो जाता है, तो वह धन और चक्रवर्ती ब्याज क्या कीजिए? सेम वही क्वेश्चन। क्या कह रहा वो? कि 33 CI 1/3%, तो 33 CI 1/3% कितना होता है? वो हमारा होता है 1/3। यानी कि पहले साल देखा गया
फर्स्ट साल देखा गया तो 3 रुपए था, वो 4 रुपए बन के आया, आया कि नहीं। जब सेकंड साल देखा गया तो वही 3 रुपए 4 रुपए फिर बन के आया, तो टोटल कितना हो गया, 9 और 16, यही तो हो गया, 9 और 16 यही हो रहा है ना। अब वो ये कह रहा है कि वो 16 नहीं है, कितना है 64 है, वो 16 नहीं है कितना है 64 है, इससे कितना गुना 400 गुना, भाई 4400 गुना होगा ना, 400 गुना, तो वैसे ही ये भी इससे 400 गुना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये 9 चौक 36, 3600 रुपए हो जाएगा। इसमें देखा गया तो कितने का अंतर आ गया हमारा, ये आ गया हमारा कितना, ये आ गया आपका 7 का अंतर, भाई 7 का तो अंतर आ रहा है, देख लीजिए, हाँ 7 का अंतर, ये भी 400 गुना हो जाएगा 400 से, तो कितना आ जाएगा 7 चौक 28, 2800 रुपये, यानी 3600 रुपए थे उसको 2800 ब्याज मिल गए और ये बन के हमारा आ गया। यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताओ आप, और यही इसका आंसर होगा। ये मैंने आपको बता दिया था मूलधन था, ये मैंने बता दिया आपको मिश्र धन है, और ये मैंने बता दिया आपको चक्रवर्ती ब्याज है, चक्रवर्ती ब्याज है, समझ आए दूसरा नंबर। चले आगे, बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, कोई इसमें वो वाले क्वेश्चन नहीं है, बाकी पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है और ये आपको करना ही पड़ेगा। चलिए सेकंड नंबर, थर्ड नंबर क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है 1280 रुपए का 12.5% ब्याज चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 वर्षों में मिश्र धन और चक्रवर्ती ब्याज दर ज्ञात कीजिए। वो ये कह रहा है तीसरा कि 12.5% की दर से, 12.5% की दर से, तो 12.5 कितना होता है, 12.5 हमारा होता है 1/8, कितना था 1/8, तो 1/8% का क्या होगा तुम्हारा, पहले ईयर की बात किया इसने, तो पहले ईयर क्या है 8 है तो 9 हो जाएगा, दूसरे ईयर की बात करता है तो फिर वो 8 है तो 9 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 8 और 64 9 81। अब वो ये कह रहा है कि 1280 रुपए है, यानी कि प्रिंसिपल हमारा कितना है, मिश्र धन कितना हमारा 1280, 64 नहीं वो 1280 है, इससे कितना गुना 200 गुना, भाई 200 गुना हो जाएगा, तो ये भी इससे 200 गुना हो जाएगा, ये भी इससे 200 गुना हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 20 गुना, 1280 है ना, 1280 नहीं है, 1280 है, यानी कि 1280 से 20 गुना होगा, तो वैसे 8120 से 20 गुना क्या हो जाएगा 1620 रुपये हो जाएगा, और CI कितना हो जाएगा, CI देखा गया तो 17 बच रहा है, तो 17 भी 20 गुना हो जाएगा इससे, तो कितना हो जाएगा 340 रुपये, और ये इनके क्या हो जाएंगे आंसर हो जाएगा। 1220 रुपये पे 12.5% का ब्याज लगा हुआ था, यानी कि मूलधन पे 1280 रुपये पे कितना 12.5% का ब्याज लगा था, तो मूलधन हमारा 64 रुपये आ रहा था, बट क्वेश्चन के अनुसार कितना आ रहा है 1280 आ रहा है, इससे कितना गुना 20 गुना, तो इसी अनुसार 8120 से 20 गुना हो जाएगा 1620 आ जाएगा, और चक्रवर्ती ब्याज भी 17 इसमें से आ जाएगा, भाई देखा गया 64 रुपये था मेरे पास, अब 81 रुपये बन गया, यानी 17 रुपये का लाभ कमा लिया, यानी कि CI हमारा कितना आ गया 17 रुपये, 17 रुपये का 20% किया गया तो 320 रुपये इसका आंसर आ गया। चले फोर्थ नंबर क्वेश्चन की तरफ, चलिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन, चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी धन का 20% CI के दर से 2 वर्षों में मिश्र धन 440 रुपये हो जाए, सॉरी CI जो हो रहा है चक्रवर्ती ब्याज 440 रुपये हो जा रहा है, तो वह धन और मिश्र धन ज्ञात कीजिए। वापस देख लीजिए क्वेश्चन,
किसी धन का 20% सीआई की दर से 2 वर्षों में चक्रवर्ती ब्याज 440 रुपए हो जाता है, तो वह धन और मिश्र धन ज्ञात कीजिए। वो ये कह रहा है कि 20% 20% 2 साल के लिए, यानी 20% का क्या है 1/5, पहले साल के लिए बात हुआ तो 5 7 6 हो गया, दूसरे साल के लिए बात किया गया तो 5 7 6 हो गया, टोटल कितना हो गया 5 25 और ये कितना हो गया 6 36, बचा इसमें कितना 11। बट 11 नहीं कह रहा, वो कितना कह रहा है 440 कह रहा है, वो 11 ना कहते वो कितना कह रहा है 440 कह रहा है, इससे कितना गुना 40 गुना भाई, इससे कितना गुना 40 गुना, तो ये भी तो इससे 40 गुना हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 4 का मल्टीप्लाई किया 100 और एक और 0 1000 हो गया, और ऐसे ही ये भी 40 गुना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा कितना 6 24 दो 3 12 12 4 16 1440 हो जाएगा, यानी 1000 रुपए था मेरे पास, 440 का ब्याज ले लिया तो 1440 रुपए इसके पास हो जाएगा, और ये इनके आंसर आ जाएंगे। यानी बिल्कुल सिंपल सा सवाल था, इसमें क्या कह रहा था कि 20% का ब्याज ले रहा है वो, तो पहले साल उसने 5 की जगह 6 ले लिया, दूसरे साल जब आया तब फिर 5 की जगह 6 ले लिया, अब दोनों का मैंने मल्टीप्लाई किया तो देखा कि पहले साल उसको 25 रुपए मिल रहे थे, अब उसको 36 रुपए मिल रहे हैं, कितने का गैप आ गया, कितना पैसा कमाया मैंने 11 रुपए, तो 11 रुपए कमाया। बट क्वेश्चन के अनुसार 11 नहीं कह रहा था वो, 440 कह रहा था, क्या कह रहा था 11 ना कहकर वो 440 कह रहा था, इससे कितना गुना 40 गुना, तो ऐसे ही हमारा मूल जो धन है वो 40 गुना हो जाएगा 25 का, तो 1000 हो जाएगा, और 36 का 40 गुना हो जाएगा 440 हो जाएगा। यहाँ तो कोई डाउट नो डाउट, चले आ गए पांचवा नंबर क्वेश्चन की ओर, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन। पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेम ऐसा ही है, कुछ अंतर नहीं है। किसी धन का 16 से 2/3% चक्रवर्ती ब्याज की दर से 3 वर्षों में, देखिए अब 3 वर्षों का केस आ गया, 3 वर्षों में मिश्र धन 3430 रुपए हो जाता है, तो वह धन और चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सिंपल सवाल है, वो ये कह रहा है कि 16 से 2/3% 3 साल के लिए, यानी पहले साल के लिए लिया गया, तो पहले तो हमें ये होता है 16 से 2/3% कितना होता है हमारा 1/6, यानी पहले साल के लिए वो 6 है तो 7 हो गया, दूसरे साल के लिए बात किया तो फिर 6 है तो वो 7 हो गया, तीसरे साल के लिए बात किया तो फिर 6 है तो वो 7 हो गया, जब मल्टीप्लाई किया गया तो ये कितना हो जाएगा 216 और इसका मल्टीप्लाई किया गया तो 343 हो गया, यानी 343 हो गया। बट क्वेश्चन के अनुसार हमें 343 नहीं कह रहा है, कितना कह रहा है 3400, कितना कह रहा है 3430 कह रहा है, 3430 कह रहा है, इससे कितना गुना 10 गुना, तो ये भी तो इससे 10 गुना हो जाएगा, तो कितना जाएगा 2160 रुपए, और ये इसका क्या जाएगा आंसर आ जाएगा, यानी 2160 रुपए ये कमाया होगा। प्रिंसिपल क्या कमा रहा है ये 2160 रुपए, यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताइए। बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, कोई वो ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, आराम से आप करिए। पहले साल निकाला, दूसरे साल निकाला, तीसरे साल निकाला और मैंने ये पूरा निकाल दिया। यदि चौथे साल भी कहता तो हम 4 साल का निकालते, सेम ही प्रोसेस होता। चले आगे छठवां नंबर क्वेश्चन। सिक्स नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी धन का 33 से 1/3% चक्रवर्ती ब्याज की दर से 1.5 वर्ष का मिश्र धन 4200 रुपए हो जाता है, तो वह धन और चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात कीजिए। पहले तो हमें यह बताइए 1.5 साल का जो टाइम हमें दे दिया है वो हमें दे दिया 1.5 साल, अब क्या किया जाए, और हमें जो दर दे दिया है वो 33 CI 1/3% दे दिया है, तो पहले साल के लिए तो ठीक है,
पहले साल तो आप लगा लोगे 33 से 1/3% कितना होता है, 1/3 होता है, यानी पहले साल तो आप 3/4 कर दे, 3:4 कर दिया। चलिए भाई 3:4 तो आपने कर दिया, बट आधा साल कैसे निकाले, आधा साल तो हमें बहुत दिक्कत दे दिया। अब क्या किया जाए, तो कुछ नहीं करना है, जो आधा साल है उसमें 1/3 हमें जो दिया हुआ है वो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन मल्टीप्लाई इसमें भी होता है, ऐसा नहीं है, पहले साल में भी 1/3 का मल्टीप्लाई होता है तो 1/3 ही आता है। इसी अनुसार वो भी आधा साल का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या 1/6 आ जाएगा, बस काम खत्म। जब आधा साल की बात हो गया, आधा ईयर की बात हो रही है, तो क्या है हमारे पास 6 है तो वो 7 हो गया। बस जो कटता काट दीजिए भाई, जो कटता वो काट दीजिए, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। कितनी बार ये आपका चला जाएगा, 3 बार, ये आपका चला जाएगा 2 बार, तो ये कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट, नो डाउट, बट वो कितना कह रहा है, 14 ना कहकर वो कितना कह रहा है, 42 कह रहा है, कितना कह रहा है, 42 कह रहा है। इससे कितना गुना, 300 गुना, तो ये भी तो इससे 300 गुना हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 2700, कितना हो जाएगा 2700। चक्रवर्ती ब्याज हमारा निकालना तो क्या हो जाएगा, चक्रवर्ती ब्याज हमारा क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5, ये भी इससे 300 गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 1500, और ये इनके आंसर हो जाएंगे, ये इसके क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। आप चेक भी कर सकते हो, 2700 में 1500 मैंने लाभ कमाया तो 4200 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है, यानी हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही है, कोई गलत नहीं। यहाँ तक समझ आया, चले आगे 7 नंबर क्वेश्चन। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन, बस यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आधे साल का होता है तो मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, क्यों, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट में मैंने आपको बता दिया कि मल्टीप्लाई किया जाता है, वो फॉर्मूले के थ्रू वही चीज होता है। सातवां नंबर क्या कह रहा है, किसी धन का 33 से 1/3% चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2.5 वर्षों में मिश्र धन 5600 रुपए हो जाएगा, तो वह धन और चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात कीजिए। सेम वही क्वेश्चन, कोई अंतर नहीं है, बस समझिए क्या कह रहा है, 33 CI 1/3% ये कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, यानी पहले साल बात किया गया तो कितना हो जाएगा, 3 है तो वो 4 हो गया, दूसरा साल बात किया गया तो 3 है तो फिर 4 हो गया, बट आधे साल के लिए बात किया जाएगा, 2.5 साल है यानी 2 साल तो कंप्लीट कर दिया उसने, आधे साल के लिए बात किया जाएगा तो आधा साल कितना हो जाएगा, 1/3, यानी क्या हो जाएगा, 1/6, यानी कि हाफ ईयरली के लिए बात हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, आधा ईयर के लिए तो कितना हो जाएगा, 6 तो वो 7 हो जाएगा। बस जो कटता काट दीजिए, इससे ये कैंसिल, 3 और ये कितना हो जाएगा हमारा, 2, यही तो होगा, 3 × 9 = 27, 27 होगा कि नहीं होगा, होगा, ये कितना हो जाएगा, 4 × 8 8 × 8 = 56 हो जाएगा। बट मेरे क्वेश्चन के अनुसार कितना कह रहा है, 5600 रुपए मिल रहा उसको, 56 ना मिलकर उसको कितना मिलना है, 5600 रुपए मिलना है, तो वैसे ही 27 ना मिलकर इसको कितना मिलेगा, कितना मिलेगा बताइए आप, कितना मिलेगा, 100 गुना, यानी कि 2700 रुपए मिल रहे होंगे, और SCI हमारा क्या हो जाएगा, CI हमारा 29 हो जाएगा, तो 29 ना होकर 100 ये भी मिल रहा होगा इससे, यानी कि 2900 रुपए इसको मिल रहे होंगे, और यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर, यही इसका क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा। समझ आया, 8वां नंबर की ओर चले, चलिए 8वां नंबर देखते हैं। 8वां नंबर क्या कह रहा है, 6400 रुपए का 25% चक्रवर्ती ब्याज के दर से 1.5 वर्षों में कितना मिश्र धन हो जाएगा, वह मिश्र धन और चक्रवर्ती ब्याज क्या, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 8वां नंबर कह रहा है कि 25% का, तो 25% क्या होता है, 1/4, पहले साल तो भैया हंस हंस के वो ले लिया, चलो यार कोई दिक्कत नहीं, 4 है तो 5 रुपए लूंगा मैं, तो
बट मैटर फंस गया आधा साल का, मैटर मेरा फंस गया आधा साल का। तो आधा साल का मैंने अभी आपको बताया था क्या हो जाएगा, 1/4 यानी कि 1/8 हो जाएगा। आधा साल का क्या हो जाएगा, 1/8 यानी कि आधा ईयर के लिए बात हो गई, तो कितना हो गया हमारा, 8 है तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट, कोई डाउट है तो बताओ, नो डाउट, बस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 832 और ये क्या 45, ये तो होगा 832, ये तो होगा होगा, ये कह रहा है 6400 रुपए है, 32 रुपए नहीं है उसके पास, 64 रुपए है, ये इससे कितना गुना, 32 × 64 200 गुना, तो ये भी इससे कितना हो जाएगा, 200 गुना हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, 9000 रुपए हो जाएगा, और यही इसका आंसर हो जाएगा, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सीआई हमने देख लिया, तो सीआई हमारा कितना हो गया, ये हमारा हो गया 45 में से 32 माइनस कर दिया तो 3 और 1 13, 13 हो गया, 13 भी 200 गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा, और ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों आज की क्लास आपको कैसा लगा, यदि अच्छा लगा हो तो हमारे क्लास को लाइक जरूर करिएगा, जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हमारे स्टूडेंट्स वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और थोड़ा सा हमारे वीडियो को शेयर करिए जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास स्टूडेंट हमसे जुड़े और पढ़ाने का और मजा आए। तो दोस्तों आज क्लास इतने रखते हैं, ये पहला टाइप हमारा ख़त्म होता है, अब आएगा नेक्स्ट टाइप नेक्स्ट लेक्चर में। तो दोस्तों आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए इतना, थैंक यू।